वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगा न्यूज़ से प्रेगनेंसी कब चेक करनी होती है, कैसे चेक करनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना होता है। इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है कि सर क्या प्रेगा न्यूज़ से प्रेगनेंसी हम लोग टेस्ट करें तो ये सही रिज़ल्ट देगा। तो बेशक गाइस जो प्रेगा न्यूज़ है मैं खुद रेकमेंड करता हूँ पेशेंट को यूज़ करने के लिए। और अगर आप जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वायरी रहती है कि प्रेगा न्यूज़ का प्राइस कितना है, कहाँ और कैसे मिलती है। तो प्रेगा न्यूज़ आपको 50 रुपीज़ में ऑल ओवर इंडिया ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन ये केरला में अवेलेबल नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेगा न्यूज़ से प्रेगनेंसी की जाँच कब करनी चाहिए। तो देखिए अगर किसी फीमेल के पीरियड साइकिल रेगुलर हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम अपनी पीरियड साइकिल की डेट के मिस होने का वेट करना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और जब उनका अनसेफ रिलेशन होता है तो उसके नेक्स्ट डे ही वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट करने से आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको पीरियड साइकिल के मिस होने का वेट करना है और जब 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएं, 5 दिन ऊपर हो जाएं, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। ये तो बात थी रेगुलर पीरियड साइकिल वालों की। अब जिनका जो इरेगुलर पीरियड साइकिल होता है वो कैसे टेस्ट करेंगे, तो जिस दिन आपका अनसेफ रिलेशन हुआ है उसके 21 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। और दोनों ही कंडीशन में जिनका पीरियड रेगुलर है और जिनका पीरियड इरेगुलर है, तो सही रिज़ल्ट मिलता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेगा न्यूज़ को सुबह के टाइम टेस्ट करना चाहिए या फिर दोपहर में, रात में, कब टेस्ट करना होता है। गाइज ये वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए दोबारा से शूट कर रहा हूँ, तो बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, लेकिन एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है वरना आपका जो टेस्ट है वो सही नहीं आएगा, या हो सकता है आपको जो सेकंड लाइन है वो हल्की गुलाबी कलर की नज़र आए। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हर डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आपको सुबह खाली पेट प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, और सही बात भी है क्योंकि उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। कारण ये है कि जब आप रात को खाना खा के सो जाते हो और जब आप सुबह डायरेक्ट उठ के प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो इस बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप हो जाता है, और इस गैप में जो पेशाब है उसमें प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे बीटा एससीजी हार्मोन कहते हैं, मतलब ये जो टेस्ट कार्ड हैं ये बीटा एससीजी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं। तो होता ये है कि जब आप कुछ खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, और 6 से 8 घंटे तक जो आपने यूरिन को होल्ड करके रखा है उससे जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसकी यूरिन में जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिन भी पेशेंट्स को प्रेगनेंसी लगी होती है, रुकी होती है, वो ईजिली डिटेक्ट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बारी जब प्रेगनेंसी लगती है तो पेशेंट को बारी बारी यूरिन पास करने की हैबिट हो जाती है, उनको परेशानी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपने 4 घंटे से कम के टाइम पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो हो सकता है आपको सही रिजल्ट ना मिले, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में बीटा एससीजी की जो वैल्यू है वो भी कम होती है। तो हमेशा चाहे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी करो, सुबह करो, रात को करो, शाम को करो, दोपहर को करो, कभी भी करो, लेकिन कम से कम 4 घंटे की गैप होना ज़रूरी है जो आपने लास्ट बार यूरिन पास किया था और जो अब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आगे यूरिन सैंपल के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स रहते हैं गाइस, तो चलिए अब यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट करना होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि जो यूरिन सैंपल है वो फ्रेश होना चाहिए। अगर आपको मजबूरी है कि आपने यूरिन सैंपल स्टोर करना है और बाद में टेस्ट कर रहे हो तो यूरिन सैंपल आपको फ्रिज में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप रूम टेम्परेचर पर इस सैंपल को रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और 12 घंटे के अंदर अंदर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, 12 घंटे के बाद ये यूरिन सैंपल आपका
ख़राब हो जाएगा। फिर जो यूरिन सैंपल है, जब आप जिस कंटेनर में कलेक्ट करोगे वो स्टेराइल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। अब हॉस्पिटल में तो इस टाइप का कंटेनर आपको दे दिया जाता है, लेकिन घर पर जब टेस्ट करते हो तो इस टाइप के कंटेनर तो होते नहीं हैं। तो आप चाहो तो ये जो प्रेगा न्यूज़ है, ये जब आप इसका रैपर खोलोगे तो इसके अंदर आप यूरिन कलेक्ट कर सकते हो, ये भी स्टेराइल होता है। और अगर आप इसके अंदर कलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप कोई कांच का कंटेनर यूज़ कर सकते हो, कोई कांच का गिलास यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर डिस्पोजल या कागज़ की बनी हुई कोई भी चीज़ यूरिन सैंपल के लिए आप यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेगा न्यूज़ में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और टेस्ट कैसे करना होता है। तो ये प्रेगा न्यूज़ है, और जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक टेस्ट कार्ड मिलेगा, एक आपको ड्रॉपर मिलता है और एक आपको सिलिका जेल मिलता है। और इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों को। कई लोग बोलते हैं कि सर इसको यूरिन सैंपल के अंदर डालना होता है क्या? तो देखिए, इसका जो काम है सिर्फ नमी को एब्जॉर्ब करना होता है। मतलब अगर बाय मिस्टेक प्रेगा न्यूज़ को किसी नमी वाली जगह पर रख देते हैं, तो अगर प्रेगा न्यूज़ के टेस्ट कार्ड के आसपास नमी आती है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बस इसका इतना ही काम है। अच्छा, जो ये ड्रॉपर है इसको लेकर भी बहुत सारे डाउट रहते हैं। कई फीमेल इन ड्रॉपर को यूज़ नहीं करती, और जो पेशाब की धार होती है उसके आगे ये जो टेस्ट कार्ड है उसको आगे कर देती हैं और उनसे टेस्ट कर लेती हैं, जिससे उनको इनवैलिड टेस्ट रिज़ल्ट मिलता है या कई बार तो टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो हमेशा ड्रॉपर की हेल्प से ही आपको यूरिन की ड्रॉप्स डालनी होती हैं। फिर आता है ये टेस्ट कार्ड, इसको मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ये जो टेस्ट किट है, इसको जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दो खाने दिखते हैं। जो ये गोल वाला खाना है, इसके बाहर आपको एस दिख रहा होगा। एस स्टैंड करता है सैंपल के लिए, मतलब कि आपको पेशाब की यूरिन की 3 बूंदें इस खाने के अंदर डालनी होती है, गोल वाले खाने के अंदर। फिर जैसे ही 3 बूंदें आप डालेंगे तो पेशाब फ्लो होता हुआ दूसरे खाने में आता है नीचे से, और इस खाने के बाहर आपको टी और सी दिख रहा होगा। टी स्टैंड करता है टेस्ट लाइन के लिए और सी स्टैंड करता है कंट्रोल लाइन के लिए। यहीं पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। टी और सी का मतलब क्या है, रिज़ल्ट कैसे देखना है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कई बार लोग इन 3 लाइनों पर रिज़ल्ट देखते हैं, जो कि गलत है। रिज़ल्ट आपको यहीं पर देखना है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है लाइव टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के लिए आपको ड्रॉपर का ही यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग अब टेस्ट करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल है, और जैसा मैंने आपको बताया कि बल्ब को दबाना है ऐसे पीछे से और सैंपल लेना है। जब सैंपल ले लेंगे तो आपको बहुत ज़रूरी काम एक ये करना है कि आपको टाइमर लगाना है, और टाइमर आपको 5 मिनट का लगाना है। मोबाइल में, घड़ी में, कहीं पर भी आप टाइमर लगाएं, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो आपको वैलिड मिलता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो चलिए, हमने टाइमर लगा लिया है और हम लोग सैंपल खाने में पेशाब की 3 बूंदें डालेंगे। तो 1, 2, 3, देखिए 3 बूंदें ज़रूरी हैं डालनी, और 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको सही वैलिड रिज़ल्ट मिलेगा, और 5 मिनट के बाद का जो रिज़ल्ट है वो वैलिड नहीं होता है। तो अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और 5 मिनट का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, ये 5 मिनट के बाद का कैसा रिज़ल्ट है आप देख सकते हो। तो गाइज़, लाइव टेस्ट देखने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि टेस्ट किट में
सी ओ टी लाइन का मतलब क्या है और जो टेस्ट रिजल्ट है वो हम लोगों को कैसे समझना होता है। तो जो टेस्ट किट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टी का मतलब टेस्ट लाइन होता है और सी का मतलब कंट्रोल लाइन होता है। तो जब भी आप टेस्ट करोगे तो आपको कंट्रोल लाइन दिखनी चाहिए। अगर टेस्ट करने के बाद आपको कंट्रोल लाइन नज़र नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट है वो इनवैलिड है, आपने जो टेस्ट है वो गलत तरीके से किया है, या फिर जो ये टेस्ट किट है प्रेगान्यूज़ ये ख़राब हो चुका था, या फिर जो आपने यूरिन सैंपल यूज़ किया है वो ख़राब हो चुका था। ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से टेस्ट करना होता है। फिर जब आप सही तरीके से टेस्ट करोगे तो आपको कंट्रोल लाइन नज़र आ जाएगी, और अगर कंट्रोल लाइन के साथ में टेस्ट लाइन भी आपको दिखाई दे रही है जो कि हमने लाइव टेस्ट में देखा, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि जिस भी फीमेल का ये यूरिन सैंपल है वो प्रेग्नेंट है। और अगर कंट्रोल लाइन के साथ जो टेस्ट लाइन है वो नहीं दिखाई देती तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा टेस्ट है वो नेगेटिव है, जिसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। कई बारी ऐसा भी होता है कि आपको कंट्रोल लाइन नज़र नहीं आती लेकिन टेस्ट लाइन नज़र आती है, जिसका मतलब यही है कि जो टेस्ट है वो इनवैलिड है और आपको दोबारा से टेस्ट करना होता है। ये पार्ट भी गाइज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से शूट कर रहा हूँ। देखिए जो अगली कंडीशन है उसमें जो टेस्ट लाइन है वो आपको हल्की कलर की शो होगी और जो कंट्रोल लाइन है वो आपको डार्क कलर की शो होगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। अब देखिए जो इसका एक मुख्य कारण है वो यही है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन है बीटा एसीजी वो पेशाब में उसकी मात्रा कम है। हमेशा ध्यान रखें कि आपको कम से कम 5 मिनट तक का वेट करना है। अगर जो दोनों लाइन है वो इक्वली शो हो रही हैं कलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 मिनट तक, लेकिन 5 मिनट कंप्लीट होने पर भी अगर जो टेस्ट लाइन है वो हल्की गुलाबी कलर की शो हो रही है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो आपको प्रेगनेंसी है वो अर्ली प्रेगनेंसी है, ठीक है, और जो अर्ली प्रेगनेंसी है या तो वो ग्रो नहीं हो रही, ठीक है, या फिर एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और कई बारी हार्मोनल फ्लैक्चुएशंस के कारण भी ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी किसी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो गई और जो बीटा एससीजी हार्मोन है वो अभी भी शरीर में है, जो बच्चे के प्रोडक्ट्स हैं वो भी बच्चेदानी के अंदर पेंडिंग हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। और आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डायग्नोस किया जाएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको एग्जैक्टली बता दी जाएंगी, या फिर आप नियरेस्ट किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो।